अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। हम लोग कर रहे हैं बेजल फंक्शन। उसके अंदर सबसे पहले मैंने आपको बेजल का प्रूफ करवाया था कि किस तरह से उसका जनरल फार्मूला जो है उसको ड्राइव करते हैं, वो पूरा एक वीडियो जो है वो मैंने बनाई थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिकरेंस रिलेशन जिन्हें इसकी प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं वो भी हैं, और वो जो है मैं दो आपको करवा चुकी हूँ पिछले वीडियो में, और इस वीडियो में इंशाल्लाह थ्री और फोर वाला करेंगे। दो मज़ीद और रिलेशंस जो हैं मैं वो आपको इसके करवाऊंगी। ये मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं बेजल के, और ये इन रिलेशंस के बगैर बेजल से रिलेटेड मोस्टली 90% प्रूफ सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपको ये ना आते हो। अच्छा जी, इसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने बेजल का जनरल फार्मूला लिखा है, हमने ये वाला रिलेशन बनाना है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले बेजल का जनरल फार्मूला लिख लिया है, देन उसका डेरिवेटिव चाहिए, हमने उसका डेरिवेटिव ले लिया है। पावर पहले ये वाली, और पावर में से कम और पावर के बगैर डेरिवेटिव ले लिया, वो 1/2 आ गया। उसके बाद अब हमें साथ एक्स भी चाहिए, तो हम लोगों ने एक्स को क्या किया, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एक्स। अब हमने दोनों तरफ सिर्फ एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही हमने दोनों तरफ एक्स को मल्टीप्लाई करना है ना, जब इधर एक्स मल्टीप्लाई होना है तो इधर आके एक्स बाय टू हो जाना है। वो एक्स बाय टू बेस सेम होगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी, उसकी पावर प्लस वन होगी, इसकी पावर प्लस वन होगी, इसकी माइनस वन है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो टू के प्लस एन ही रह जाएगा सिर्फ। उसके बाद टू के प्लस एन है, तो अब इसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि हमने इसको एन को हम लोग टू एन प्लस टू एन माइनस एन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना। ओहो, बॉल पॉइंट ही नहीं चल रहा। टू एन माइनस एन, अब प्लस एन को हम लोग टू एन माइनस एन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको टू एन माइनस एन लिख दें तो ये माइनस एन बाहर ही रहेगा और ये टू यहाँ पे इसके साथ कॉमन आ जाएगा बाहर, के प्लस एन आ जाएगा अंदर। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, ये एक वैल्यू बन गई, ये दूसरी वैल्यू बन गई। बाहर जितनी भी वैल्यूज़ पड़ी हैं पहले हम उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम लोग इन वैल्यूज़ को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम आ गए इधर, अब हमने इसको क्या किया, पहले टू के प्लस एन के साथ हमने सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा दिया, देन हमने एन के साथ कर दिया। अब नेक्स्ट हम लोगों ने फर्दर क्या करना है, अब देखिए ऊपर हमारे पास के प्लस एन है। पिछले केसेस में भी हमारे साथ ऐसा हुआ था कि हमने ऊपर की वैल्यू को कैंसिल करने के लिए नीचे फैक्टोरियल खोला था, तो देन हम लोग क्या करेंगे, के प्लस एन है यहाँ पे, के प्लस एन का खोलेंगे फैक्टोरियल। इसका जब फैक्टोरियल खोलेंगे तो एक वैल्यू कम हो जाएगी, तो ये वाली वैल्यू जो है इसके साथ हो जाएगी कैंसिल। और उसके बाद नेक्स्ट अब हम लोगों ने क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे टू ऑलरेडी मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, इसे एक्स से मल्टीप्लाई और एक्स से डिवाइड करवा देंगे। टू के नीचे एक्स एक डिवाइड हो जाएगा, एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद रही वैल्यू जो एन वाली वैल्यू थी, वो सारी हमने क्या की, वो वैसे की वैसे ही आ गई है हमारे पास, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई, वो वैसे की वैसे ही साथ आती जा रही है। आप लोग चाहें तो इसको ऊपर ही चेंज कर सकते हैं, ये पूरा जो फॉर्मूला ने देखिए, यहाँ पे भी एन है, यहाँ पे भी एन है, तो यहीं पे ये जे एन बन गया। तो आप लोग चाहें तो इसको बजाय इसके के बड़ा बड़ा फॉर्मूला लिखते जाएं शुरू में ही, आप लोग इसको जे एन एक्स कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ऐसे लिखते जाएं। अब इस पे आ जाएं, अब इस पे क्या हुआ है, अब यहाँ पे एन माइनस वन था, अब हमें यहाँ पे भी तो एन माइनस वन चाहिए था ना, अब यहाँ पे एन माइनस वन आ गया, तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा लिया। अब इस टू बाई एक्स को जब इन्वर्ट करेंगे, जब इस टू बाई एक्स को जब हमने इन्वर्ट करना है तो ये एक्स बाय टू हो जाएगा। जब ये एक्स बाय टू हो जाएगा तो बेस सेम होती है जब, तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो ये एक्स बाय टू की पावर माइनस वन हो जाना है, तो यहाँ पे माइनस वन इसके साथ आ जाएगा। तो हमारे पास क्या हुआ, जो यहाँ पे भी ना मैंने माइनस वन आना था, जो कि मैं लिखना ही भूल गई हूँ अंदर। अच्छा, इसको वन बना लिया और ये ब्रैकेट लगा दी। अच्छा, यहाँ पे भी n माइनस वन है, यहाँ पे भी n माइनस वन है, तो जब यहाँ पे जो चीज़ यहाँ पे होती है, यहाँ पे अगर सिंपल n हो तो j में यहाँ पे n आ जाता है, अगर n माइनस माइनस वन हो तो यहाँ पे n माइनस वन आ जाता है, n प्लस वन हो तो यहाँ पे n प्लस वन आ जाता है। अच्छा, ये तो है डेरिवेटिव का n का, डेरिवेटिव वाले जे का, एन का और एन माइनस वन का रिलेशन है। कहीं कहीं पे हमें एन प्लस वन का भी एक रिलेशन इस तरह से मिलता जुलता चाहिए होता है। तो ये फार्मूला, यहाँ पे एन था, यहाँ पे भी एन था, तो हमने इसको जे एन एक्स कर दिया। अब नेक्स्ट हम अपने अगले रिलेशन की तरफ चलते हैं जो इससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, लेकिन वो जे एन प्लस में देखिए ज़रा। उसमें पिछले वाले में इनको याद करने के भी आपने ये डिफरेंस रखना है कि ये डेरिवेटिव वाले जो है ना, वो दो तरह के, एक में एन माइनस वन है और एक में एन प्लस वन है। अब यहाँ पे एन प्लस वन है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने जितना पहले डेरिवेटिव लिया था, हम लोगों ने इसका डेरिवेटिव ले लिया। डेरिवेटिव लेने के बाद हम लोगों ने क्या किया, सिंपल एक्स को मल्टीप्लाई करवा दिया। जैसे ही एक्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, बेस सेम हो गए पावर्स कट के, तो ये टू के प्लस एन रह जाएंगे, क्योंकि इसका माइनस वन इस प्लस इसके प्लस वन के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है,
वहाँ पे तो हमें एन माइनस वन चाहिए था, तो हमने इसको ब्रेक कर लिया। इधर तो हमें एन माइनस वन नहीं चाहिए, तो इसमें हम इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। टू के साथ हम लोग पहले वैल्यू को अलग लिख लेंगे, यहाँ पे लिखा, और फिर हम एन के साथ जो है वो वैल्यू को अलग लिख लेंगे। अब देखें यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे भी एन है, यहाँ पे भी एन है, तो इसको डायरेक्ट जे एन एक्स कह दिया है हमने। उसके बाद यहाँ पे ऊपर क्या है, के पड़ा हुआ है, तो नीचे हम लोग क्या करेंगे, के फैक्टोरियल है। अब हमने ऊपर वाला के कैंसिल करना है, उसके साथ साथ हम लोगों को क्या करना है, अब हमने उससे पहले जो काम हमने करना है वो ये है कि एक्स बाय टू, और यानी कि एक्स बाय टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है। डिवीजन में जाके इन्वर्ट होकर ऊपर आ जाएगा, इस तरह लिख लें दोनों तरफ, क्योंकि ये टू इस टू से कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स एक तरह से एक दूसरे के इन्वर्स है। इन दोनों का हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवा लिया। देन उसके बाद ये देखें, ये वाली वैल्यू अगेन हम लोग इन्वर्ट कर देंगे, तो ये इसके साथ पावर में ऐड हो जाएगी, माइनस वन हो जाएगी, एक एक्स इधर आ जाएगा, एक टू जो है वो इस टू के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट, अब हम लोगों ने क्या करना है, क्योंकि अब हम इसमें करेंगे सब्स्टिट्यूशन। ये थोड़ा सा ना रिलेटेड है जो हम लोगों ने बी वाला किया था ना, मैंने आपको सेकेंडरी करंट सिलेशन पिछले वीडियो में करवाया था, उससे मिलता जुलता है। मतलब आप लोगों ने ना इनको याद रखना है एक दूसरे से इंटर रिलेट करके, मतलब एक दूसरे से इनका रिलेशन देखना है कि कहाँ पे क्या चीज़ जो है। एक तो आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो तो आप लोगों को याद रहता है, दूसरा ये कि आप लोगों ने थोड़ा सा रिलेट करना है इसको, कि आप लोगों ने जे एन माइनस वन बनाना है तो क्या क्या करना है, और एन प्लस वन बनाना है तो आप लोगों ने क्या क्या करना। अच्छा, ये वाला टू इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पे के एक्स आ गया। नेक्स्ट, अब हम लोगों ने के को ऊपर से कैंसिल करना है, के प्लस एन हो या के हो, ऊपर से हम लोगों ने कैंसिल करना है, नीचे से फैक्टोरियल खुलेगा। अब हमें के चाहिए, तो अगर हम इसका फैक्टोरियल खोल लें, तो अगर हम लोग के इंटू के माइनस वन का फैक्टोरियल इस तरह से खुल जाएगा, के से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल में वैल्यू कम होती जाती है। नेक्स्ट, अब हम लोगों ने क्या करना है, अब नेक्स्ट नीचे आ रहे थे, अब देखें यहाँ पे मैंने आपको बताया था, अगर यहाँ पे एन हो, यहाँ के प्लस एन आगे पढ़ा हो, तो यहाँ पावर में भी वही चीज़ होनी चाहिए, और अगर यहाँ पे के माइनस वन है तो इसकी पावर में भी के माइनस वन होना चाहिए, यानी कि ये आपस में बराबर होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, माइनस वन से मल्टीप्लाई और माइनस वन से हम लोगों ने डिवाइड करवा दिया। मल्टीप्लाई वाला माइनस वन बाहर आ गया, यानी कि वो मल्टीप्लाई होकर माइनस वन आ गया, डिवीजन वाला माइनस वन ऊपर आके वो इन्वर्स में चला गया, और उसके बाद जब हम लोग इनकी ज़ाहिर ऐड करेंगे तो के माइनस वन हो जाएगा, नीचे भी के माइनस वन आ गया, ऊपर भी के माइनस वन आ गया, यहाँ पे एन है और यहाँ पे एन माइनस वन है। अब हम लोगों ने इनको थोड़ा सा ना बैलेंस करना है। अब हम क्या करेंगे, के माइनस वन को जो है वो इक्वल टू एस, उसकी सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, और ओवरऑल के था तो हमने उसको एस में चेंज कर देना है, सिंपल। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन वगैरह कोई सीन नहीं है, सिंपल यहाँ पे ओवरऑल जो था वो के था, उसकी जगह पे हम लोगों ने एस को कर दी सब्स्टिट्यूशन। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे के एस के माइनस वन की जगह पे हम लोगों ने एस की सब्स्टिट्यूशन कर दी, और यहाँ पे भी के माइनस वन की जगह पे हम लोगों ने एस की सब्स्टिट्यूशन, इसकी पावर में भी वही आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट, अब हमने यहाँ पे क्या कहना है, हम लोगों ने टोटल के को एस में चेंज कर दिया, यहाँ पे अब हमें के की वैल्यू चाहिए, तो के की वैल्यू क्यों आएगी, एस प्लस वन, तो एस प्लस वन और एन को हमने दरमियान में रख लिया है। और अब ये फार्मूला जो है हमारे पास, यहाँ पे एन प्लस वन आ गया और यहाँ पे भी क्या आ गया, एन प्लस वन। देखिए अब यहाँ पे जब हम लोगों ने के की सब्स्टिट्यूशन करनी है ना, तो के की वैल्यू आई है हमारे पास एस प्लस वन, तो जहाँ पे हम एस प्लस वन पुट करेंगे ना, तो वो टू माइनस वन, एक एस प्लस वन है तो टू एस आ जाएगा, और जब प्लस वन हो जाएगा तो प्लस टू माइनस वन हो जाएगा, यानी इसके अंदर जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो टू एस प्लस एन प्लस वन आ जाएगी हमारे पास वैल्यू। तो यहाँ से हमारे पास अब ये जो पूरा फॉर्मूला है ना, ये वाला, इतना एक्स के साथ जितनी भी वैल्यू पड़ी है हमारे पास जे एन प्लस वन के, क्योंकि यहाँ पे भी एन प्लस वन है, यहाँ पे भी एन प्लस वन, तो इस तरह से ये हमारा रिलेशन भी प्रूफ हो गया। और यहाँ पे हो गई हमारी वीडियो एंड। होपफुली जितने दो रिकरेंट सॉल्यूशन मैंने आपको बताए हैं आपको समझ आ गए होंगे। स्टिल कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप लोग, और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे नेक्स्ट वाले जो रिकरेंट सॉल्यूशंस हैं वो भी करेंगे, और इसके उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें भी, कि यहाँ पे जे में अगर एन की जगह पे कोई वैल्यू वन बाय टू आ जाए, माइनस वन बाय टू आ जाए, थ्री बाय टू आ जाए, माइनस थ्री बाय टू आ जाए, फाइव बाय टू आ जाए, कोई वैल्यू आ जाए, तो उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं नेक्स्ट, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।